जय जिनेन्द्र दोस्तों, कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? मैं भी मजे में हूँ। तो स्वागत है फिर से आपको मेरी आज की नई वीडियो में। मेरा नाम है दिशाजन और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू और ब्रेड का नाश्ता, जो कि आज बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और फटेक से बनने वाला नाश्ता है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हो या फिर शाम को नाश्ते में बना सकते हो। तो उसके लिए लेंगे हम 2 उबले हुए आलू और 4 ब्रेड लेनी है। ज़्यादा अगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप और ब्रेड ले सकते हो और आलू भी ले सकते हो। तो मैंने 4 ब्रेड के हिसाब से 2 आलू ले लिए मीडियम साइज़ के। आलू को हम छील लेंगे, ये आलू को मैंने छील लिया। फिर एक लेंगे बड़ा बाउल, इसमें हम आलूओं को मैश कर लेंगे इस तरह से। दोनों आलू मैश कर लेती हूँ। ये आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। फिर डालेंगे ग्रीन चिली, हरी मिर्ची, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्ची को कम कर सकते हो। फिर डालेंगे बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया। इसके बाद हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, जितना तीखा आप खाते हो उस अकॉर्डिंग ही डालेंगे। फिर डालेंगे हल्का सा गरम मसाला, 1 टीस्पून डाल दिया। फिर डालेंगे कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। इसके बाद हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, ये नमक भी डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। सारे स्पाइसेस मैंने डाल दिए, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो। बाकी वीडियोस भी देखते रहें गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। चलिए अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छे से मिक्स हो रहा है, इसको हम साइड में रख देंगे। और जो हमने 4 ब्रेड ली थी उनको हम इस तरह से तोड़ लेते हैं, देखिए इस तरह से। 4 ब्रेडों को अच्छे से तोड़ लेंगे। ये सारी ब्रेड मैंने तोड़ ली है। अब इसको हम एक मिक्सर जार लेंगे, ये मिक्सर जार लिया, इसमें हम सारी ब्रेड को डाल देते हैं और ब्रेड क्रम्स बना के तैयार करेंगे। ये देखिए ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो चुके हैं। और ये ब्रेड क्रम जो है ना, उसको हम जो आलू का मसाला हमने बना के तैयार किया था उसमें हम ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ये थोड़े से डाल दिए। अब फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद बाकी के ब्रेड क्रम्स जो बचे हुए हैं उनको भी ऐड कर देंगे। अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, बाकी के ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर देते हैं। एक साइड ऐड नहीं करेंगे, ऐसे 2 बार में ऐड कर देंगे। और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कटलेट्स बनाना तैयार स्टार्ट करते हैं। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हो, मैंने टिक्की की शेप दी है, जैसे टिक्की होती है ना आलू टिक्की वगैरह, वैसे ही मैंने टिक्की की शेप दी है, आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो। ये देखिए इस तरह से हम वैसे ही सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें गाइस, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। वीडियो को फुल एंड तक देखें तभी आपको मज़ा आएगा, तभी आप बनाओगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो आप प्याज को स्किप कर सकते हो। ये सारी कटलेट्स मैंने बना के तैयार कर लिए। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो एक लेंगे एक बाउल, बाउल में हम डाल लेंगे एक कच्चा आलू, ये छील लिया मैंने, और इसको हम बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। कच्चा आलू लिया मैंने ये, और उसको हम बारीक वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर रहे हैं। ये आलू को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच गेहूं का आटा, आप गेहूं के आटे की जगह पर मैदा का यूज कर सकते हो। ये 3 चम्मच गेहूं का आटा डाल दिया है। फिर इसके बाद डालेंगे हम इसमें रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर डालेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, ये नमक भी डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे करके पानी डालना स्टार्ट करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
इसमें भी हम धनिया पत्ती डाल देते हैं बारीक कटी हुई। ये धनिया पत्ती इसमें भी डाल दिए और अच्छे से पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। जो हमने टिक्की बना के रखी थी ना, उसको हम इसमें डिप करके फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसमें डिप कर दिया, इस तरह से चम्मच के दोनों साइड से अच्छे से कर लेंगे और उसको हम डायरेक्ट फ्राई करेंगे। गैस पर रखा हुआ था मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाला हुआ था रिफाइंड ऑयल, ये अच्छे से गर्म हो चुका था। उसके बाद हम डाल देंगे कटलेट को, इसमें जो पेस्ट बना के रखा है हमने तैयार किया है आटे का, उसमें डिप करके ऐसे फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और बिल्कुल भी अभी टच नहीं करेंगे जब तक ये थोड़े से सिक ना जाए। सिक जाएंगे ना हल्के से, उसके बाद ही हम इसको टच करेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे गाइस, क्रंची। ये देखिए हल्के से सिक चुके हैं, तो इसको हम अलग पलट कर अच्छे से दोनों साइड से सेकेंगे। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे, हल्के से सिक जाए ना उसके बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में तो हाई फ्लेम ही रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह अच्छे से गोल्डन एंड क्रिस्प हो जाने देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस इसको फ्राई करने में। इनको निकाल लेते हैं, देखिए गोल्डन क्रिस्प हो चुके हैं। ऐसे ही हम बाकी के कटलेट्स भी इसमें आटे के पेस्ट में डिप करके फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बने थे गाइस, बारिश का सीज़न है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता है शाम को 4 बजे के टाइम पे, तो आप ये बना के खा सकते हो, बच्चों को भी खिला सकते हो, या फिर मेहमान आ गए अचानक से उनके लिए भी बना सकते हो। ये देखो ये भी अच्छे से गोल्डन एंड क्रिस्प हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चलो हम प्लेटिंग कर लेते हैं। इसको हम रेड सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर केचप है और ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये आलू और ब्रेड का नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आलू ब्रेड का नाश्ता तैयार है। देखो अब मैं टेस्ट करके दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी बने थे, अंदर से सॉफ्ट, और इसको हम केचप के साथ खाएंगे। बहुत ज़्यादा डिलीशियस थे, आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो।